किसका? बताओ मुझे, मीडियन का फॉर्मूला बताएंगे? मीडियन का फॉर्मूला क्या है? बारी बारी से बताएंगे। देखो दो तरह का होगा, या तो ग्रुप डेटा होगा या अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का बताओ तुम क्या होता है मीडियन, क्या क्या करते हैं? अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं? हाँ, डिसेंडिंग में ला सकते हैं। छोटे से बड़े में लिखे तो असेंडिंग, तो छोटे से बड़े में लिखते हैं। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे में, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग में नहीं लिख सकते, किसी में ही लिख दो। नोट्स पढ़ते नहीं हो ना, घर जाके जो मैं लिखवाता हूँ उसमें ही लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है भाई। उसके बाद क्या करते हैं जल्दी बताओ। क्या होता है ये? अगर तुम्हें ये चीजें ऐसे, ये तो ये हो गया ना, मैं बोल रही हूँ बस, तुक्का लगा रही हूँ, सही हो गया तो ठीक है, कंफर्म नहीं हो तुम बताओ। अगर हाँ, अगर देखो एन तुम्हारा क्या होता है? ऑड होता है, तब अलग फॉर्मूला होता है, तब फॉर्मूला क्या बनता है? मीडियन का एन प्लस वन बाय टू टर्म। इस नंबर पे जो भी टर्म होगी वही उसका आंसर होगा। और अगर एन हमारा क्या होता है? इवन होता है, तो एन कितना होता है हमारा? एन बाय टू। प्लस एन बाय टू प्लस वन डिवाइड बाय टू, ठीक है, यही होता है। अच्छा, ग्रुप डेटा में क्या कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप डेटा का? सॉरी, एल प्लस एच। करणवीर, एफ क्या होता है इसमें? किसकी? मीडियन। मीडियन कौन सी लोगे? मीडियन तो निकाल रहे हैं ना हम। तो एस क्या बताया तुमने? ऐसे नहीं, थोड़े जोर से। और ये जो ये करके बताते हैं ना लोग, तुम बताओ। गलत है। हृदयांश, एस क्या होता है? मजे में ले रहे हो तुम सब। इलेवेंथ मजे में निकल जाती है, फिर ट्वेल्थ में मेहनत करनी पड़ती है दूनी। ये सारी चीजें आती हैं ट्वेल्थ में, सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें प्रोबेबिलिटी में। नहीं पता तो आगे बढ़ो। नहीं पता हर्ष? हाँ, सेम टू हिम है। तुम बताओ। आर्यन? नहीं, एफ। एफ क्या होता है? हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकलती है? एन बाई टू से। किससे? एन बाई टू से, ठीक है। एन बाई टू, एन बाई टू। अगर मान लो, चलो मेरी बात देखते हैं, चलो थोड़ा सा ध्यान दो इधर। यहां पर ये यह है हमारे पास एक्स आई, ठीक
और यहाँ पर है एफ आई, ठीक है, एक्स आई भी नहीं है, यहाँ पर क्लास है, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तीन ही क्लास ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी है 10, 15 और 23, ठीक है। फिर क्या निकालते हैं हम लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 10, 25 और कितना हो जाएगा ये 48, तो n बाई टू कितना आएगा, 20, 24। तो एक काम करते हैं हम, सुनो मेरी बात, इसमें थोड़े से चेंजेस लेके आते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 24 और इसको कर देता हूँ 14, ठीक है, ये है 14, ये है 24 और ये हो जाएगा यहाँ पर 24, अब बताओ मीडियन क्लास कौन सी होगी, लास्ट वाली, n बाई टू कितना आ रहा है 24, ठीक है, तो 24th टर्म बीच में मानी जाएगी, बात समझ में आ रही है, बीच में मानी जाएगी n बाई टू, तो बीच में 24th नंबर वाली टर्म कहाँ होगी, इसी में तो होगी भाई, 11 से लेकर 24 तक जो टर्म्स है वो इसी वाली क्लास में तो है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सी होती है, जो n बाय टू के बराबर हो या n बाय टू से जस्ट बड़ी हो, n बाय टू से जस्ट बड़ी हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं इसमें, ठीक है, चलो फिर आगे। तो अच्छा सी एफ क्या होता है, दीक्षा बताएगी सर, मीडियम क्लास से पहले वाले लाइक क्लास का वो सी एन मतलब उसी को लेते हैं इसमें, ठीक है। एच क्या होता है, किसी को पता है भाई एच क्या होता है, क्लास, क्लास इंटरवल, ये क्लास साइज, क्लास साइज, ओके, और बाकी सब हो गया। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ, सॉरी लोअर लिमिट ऑफ विच क्लास, मीडियन क्लास, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, मजेदार, देखो ये फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है, कोई कौन बताएगा मुझे भाई, हमें बीच वाली टर्म की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, एक क्वेश्चन करो, चलो क्वेश्चन करते हैं, मैं भी करता हूँ, साथ में ही करते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर वो बना रहा हूँ टेबल, तुम लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। पहले वाले कॉलम में बेटा मार्क्स ओब्टेंड, मार्क्स ओब्टेंड, दूसरे वाली क्लास में है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक, और ये है तुम्हारे पास 0 to 10, इसको ही कर देते हैं, चलो 0 से 10,
10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखो बेटा इनकी, ये होगी 5 3 4 3 3, चार सात नौ और सात आठ। ठीक है, चलो इसका तुम्हें मीडियन निकालना है। इसका क्या निकालना भाई? मीडियन निकालना है। कैसे निकालेंगे मीडियन? सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं क्या हमारे क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस हैं या नहीं है। कंटिन्यूअस है भाई, ठीक है जी। चलिए तो उसके बाद क्या निकालते बेटा? सॉरी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? हाँ जी, पढ़ाई लिखाई जो है बेच खाई तुमने। पहली बात तो गलत बताया, सही भी बताया होता तो मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा निकालते कैसे। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मतलब क्या होता है सर, क्यूमुलेटिव मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एड अप होते रहते हैं हर हाँ, क्लास क्यूमुलेटिव के बाद। इनकम ऑफ योर फैमिली का मतलब पता है क्या होता है? कि भाई सबकी इनकम मिलाकर कितनी है। ठीक है, मतलब सबको एक साथ रख देना। एक बात बताओ, यहां तक फ्रीक्वेंसी कितने लोग हैं? यहां तक कितने लोग हैं? पांच ही हैं भाई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 0 से लेकर 20 तक कितने लोग हैं? 0 से 20, 0 से 10, 10 से 20, सबको मिला दो, कितने हो गए? 8 हो गए। 0 से 30 तक, तो 0 से 10 वाले भी, 10 से 20 वाले भी और 20 से 30 वाले भी, कितने हो गए बेटा? 12। यहां तक सब कितने? 12 है, 5 और 3 8 और 4 12 ही तो है। फिर इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 12 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 9 और 29 38, 38 और 7 45, 45 और 8 53। ठीक है, 53। अब देखो मैं इसका मीडियन कैसे निकालूंगा। मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? इधर देखो, लिखो मत अभी, मुझे पता है तुम लोग कर लोगे। मुझे बस ये बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, एन कितना है? एन 53 है। तीन तो बेटा बीच में, मतलब जो बीच में बैठा होगा वो कौन से नंबर पे होगा? मीडियन का मतलब है बीच वाली ऑब्जर्वेशन निकालना। तो 53 अगर टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं तो ये क्या है, ओड है या इवन है? ओड है। तो मुझे बताओ बीच में कौन से नंबर वाली होगी? फिफ्टी थ्री प्लस 1/2 यही होगी। तो 27th नंबर पे जो टर्म होगी वही मीडियन होगी। यस और नो? तो 27th नंबर कहाँ होगा भाई? 22, तो यहां तक तो 22 है। तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 इसी क्लास में होंगे। यस और नो? ठीक है, ध्यान से देखो, इधर लिखो मत अभी। ठीक है, आर्यन तुम भी देखो इधर, मुझे ये बताओ जो 23 से लेकर 29 तक कितने लोग बैठे हैं यहां पर? 7 लोग। ठीक है, उनके मार्क्स कहां पर होंगे? 60 से 70 के बीच में। ठीक है, अब बीच वाला बंदा कौन सा है? 27th। उसके भी मार्क्स हम कितने लें भाई? 60 से 70 के बीच में। तो हम बीच वाली वैल्यू ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो मैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहा हूँ 65। तो जो तुम्हारा मीडियन आएगा ना फॉर्मूले से, वो किस किसके आसपास होगा? 65 के आसपास होगा।
अब देखो 65 के आसपास कैसे निकलता है। अभी मैं सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना बता रहा हूँ। एम कितना होगा, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपोन एफ इन टू एच। एल कितना बेटा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो ये हमारी है मीडियन क्लास, ये है हमारी मीडियन क्लास, एन बाई टू इसी में बैठा है ना। तो एल कितना बेटा 60, एन बाई टू कितना बेटा, एन बाई टू 53 बाई टू कितना होगा 26.5। सी एफ कितना बेटा 22 अपॉन एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 7। और एच कितना बेटा, क्लास साइज 70 माइनस 60 10। तो कितना आंसर आएगा इसका, 60 प्लस 60 26 माइनस 22 कितना होगा 4.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 45। देखो ये 4.5 इंटू 10 है ना, 45 बाई 7 कितना हो जाएगा 742 और कितने बचे 3, 728 कितने बचे 2, तो कितना जाएगा ये 66.42। अब यहां पर बात ये आती है कि फॉर्मूला क्या है। अब जरा मैं इसको तुम रखो साइड में थोड़ी देर, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, 7 लोग हैं इस क्लास में, 7 के लिए कितने मार्क्स हैं इस क्लास में, 10 मार्क्स ही तो होंगे भाई, 60 से 69 तक या 69.9, चलो 10 मान लेते हैं, सबका क्लास साइज कितना है 10। तो 10 मार्क्स को कितने लोगों में डिवाइड करना है, 7 लोगों में। कितने लोगों में, 7 लोगों में। एक के हिस्से में कितना आया, 7 × 7 कितना बचा 3, 728 और यही आएगा 1.42। तो इसको मैं 1.4 मान लेता हूँ इजी कैलकुलेशंस के लिए। तो इसका मतलब है कि भाई जो 23rd बंदा है, 23rd नंबर पे जो है, उसके नंबर कितने होंगे 60 से इतने ज्यादा। अब देखो ये बांटते कैसे, हम ये मानते कि जो जितना नीचे है उसके मार्क्स उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पर ये 7 बंदे हैं, 7 बंदों के बीच में कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 10, तो हर एक के हिस्से में कितने आए, तो इस क्लास में हर एक अगला बंदा जो होगा वो पिछले से 1.4 मार्क्स ज्यादा मानेंगे उसके। बात समझ में आ रही है, क्योंकि भाई 60 से 70 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि 10 मार्क्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन सब, इन जितने भी यहां पर इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा 23rd वाले के नंबर कितने होंगे 61.4, 24th वाले के बीच में कितने होंगे 61.4 प्लस 1.4 62.8, 25th वाले के बीच में कितने होंगे प्लस 1.4 कितना हो जाएगा 12 और 64.2, 26th वाले का बताओ 1.4 ऐड करो 65.6, 27th वाले का बताओ 67, इतने आएंगे। पहली बात तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 66.42। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मीडियन है, जो बीच वाला बंदा है, वो है 26.5 नंबर पर जो है। अब इस नंबर पर तो हो नहीं सकता, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है। तो देखो चला, n बाई टू माइनस सी एफ का मतलब क्या है कि जो बीच, जो यहां पर नंबर है, जो हम चलो इसको 27th मान लेते हैं, इसके और इस वाले के बीच में कितने बच्चे हैं, 5 है, 5 ही तो है, 5 आ गया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई इसकी, कितनी है 7 और इंटू 10। अब इसको ऐसे पढ़ो जरा, 10/7 × 5, एक के हिस्से में मार्क्स ये हो गए 1.4, और ये इस तरह से इसको 1.4 लिख दो प्लस 1.4 प्लस 1.4 प्लस 1.4 प्लस 1.4, तो ये इस तरह से 5 लोगों में इस तरह से ये बढ़ते चले गए, और जो लोअर लिमिट थी इसकी उसमें इसको ऐड करते चले गए। तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या बन गया, m इज इक्वल टू l प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन f इंटू h, ठीक है। थोड़ी बहुत समझ में आई बात, आ गई बस।
इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ करना ही नहीं है, मतलब है भी आगे भी है, ठीक है। अब ये मीन डिविएशन, अच्छा मुझे ये बताओ, अब किसी को मीन निकालने में दिक्कत तो नहीं होगी, मीडियन निकालने में तो कोई इशू नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। तो दो ही चीजों के अबाउट तुमसे वो मीन डिविएशन पूछेगा। अब मीन डिविएशन का मतलब बेटा ये नहीं है कि मीन से कितना डिविएट हो रहा है, मीन डिविएशन का मतलब है कि जो हमारे पास डेटा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं डेटा हमारे पास कुछ इस तरह से बिखरा हुआ, ये डेटा मान लो ऑब्जर्वेशन से, तो बेटा मीन डिविएशन का मतलब है कि जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है, जो सेंट्रल वैल्यू है, जो जिससे हम निकालते हैं, जैसे मीन हो गया, मोड हो गया, मीन और क्या था, मीडियन हो गया, ये तीन ही चीजें, मीन, मोड, मीडियन। इनमें से कोई भी अगर हम एक ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मीन ले लेते हैं, और हमारा मीन आ जाता है ये, ठीक है, हमने कैलकुलेट किया मीन हमारा ये आ गया, तो ये देखते हैं कि ये वाला डेटा इस मीन से कितनी दूर है, ठीक है। फिर देखते हैं ये वाला डेटा इससे कितनी दूर है, फिर इस, तो सबसे देखते हैं, तो जब सबको एक साथ लिख देंगे तो क्या आ जाएगा कि टोटल डिविएशन डेटा कितना कर रहा है, टोटल डिविएशन डेटा कितना कर रहा है, ठीक है। मतलब टोटल डिविएशन इतना है, मान लो 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब वो हर एक के हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हर एक के हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट करने को क्या बोलते हैं, मीन। तो इसलिए इसका मतलब है एक ऑब्जर्वेशन के हिस्से में कितना डिविएशन आता है, मतलब ऑन एन एवरेज हर एक ऑब्जर्वेशन सेंट्रल टेंडेंसी से कितनी दूर है, बस ये फाइंड करना होता है, ठीक है। अब ये तुम्हें दो तरह से मिलेगा, पहला अबाउट मीन और दूसरा अबाउट मीडियन। इस चीज का मतलब समझ गए कि मीन डिविएशन का मतलब क्या है, मीन डिविएशन का मतलब है कि हर एक डेटा सेंट्रल टेंडेंसी से कितनी दूर है, ठीक है, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज, ना कि टोटल। बात समझ में आ रही है। चलिए अब मुझे तुम एक बात बताओ, मैं यहां पर डेटा लिख रहा हूं, ठीक है, तुम मुझे बस उसका मीन डिविएशन बता देना कितना होगा, 15, 17, 25, 75, 60, बताओ भाई। और ये निकालना है तुम्हें मीन डिविएशन, मीन डिविएशन अबाउट मीन, हर एक डेटा मीन से लगभग कितनी दूर है ये बताना है तुम्हें, हर एक डेटा मीन से कितनी दूर है। इसका मीन निकालो बेटा कितना बैठेगा, 25 और 75, 100, 160, 170, 180 और 192, कितना हो गया 192। टोटल इनकी वैल्यू कितनी है 192। तो मीन कैसे निकालते हैं हम, मीन निकालते हैं हम सबका सम, तो कितना आया हमारा, अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, कितना आएगा 5, कितना आया ये बेटा 5 * 3 = 15 और 38.4 ये आया। तो इसका मतलब है डेटा जो मीन है, जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो है 38.4। तो मुझे ये बताओ ये डेटा इससे कितनी दूर है, बताओ भाई। अब मैं अगर देखो, ध्यान से देखो जरा, अगर मैं यहां पर ये नंबर लाइन बनाता हूं, ठीक है, और ये हमारे पास है 0, ठीक, ये हमारे पास 0 है। अब उसके बाद क्या है, 15 है, लेट्स सी, ये है हमारे पास 15, ठीक, फिर 17, 17 तो यही होगा पास में एकदम, ठीक, फिर 25, ये 25 हो गया, फिर 75, चलिए 60 ले लेते हैं,
60 और ये हमारे पास 75। ठीक है, 75 ज्यादा दूर कर दियो, ये हमारे पास हो गया 75। अब देखो तुम्हारा मीन कितना है बेटा, 38.4 लगभग, यहां पर तुम्हारा है 38.4। बात समझ में आ रही है? मुझे ये बताओ ये वाला डेटा, ये देखो जीरो तो है ही नहीं, इसको तो इसलिए हटा देते हैं। ठीक है, पहला डेटा कितनी दूर है इससे, कितना पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? 38.4 से तो नेगेटिव साइड है ना, कितना आएगा इसलिए माइनस, कितना आएगा ये 23.4, इतना ही आएगा। ठीक, ये वाला डेटा कितनी दूर है बेटा, माइनस चलो 17 वाला देखते हैं, ये तो मिस ही कर दिया हमने, 21.4। ये कितनी दूर है भाई, माइनस के 13.4। 60 कितनी दूर है बेटा, 21.6। और ये कितनी दूर है, टोटल मीन कितना बैठा बताओ मुझे, टोटल मीन कितना बैठा है, टोटल मीन कितना है? अभी मोड़ क्यों लगाते हैं? हाँ देखो एक बात बताओ, अगर मैं देखो ये 21.4 है और ये 21 पॉइंट, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, ऑलमोस्ट 0.2 का ही तो अंतर है। ठीक है, अभी कैलकुलेशंस के लिए देख लेते हैं, ये कितना है 36.6। और भाई मुझे ये बताओ इसका और इसका सम कितना है, तो ये भी कट गए ना। मुझे ये बताओ टोटल मीन कितना आया, ऑलमोस्ट जीरो आया कि नहीं? तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि सारा डेटा हमारा मीन के पास ही रखा हुआ है। किसके पास रखा हुआ है, जहां मीन है वहीं बाकी सारी ऑब्जर्वेशंस है। बट क्या ये सही है? नहीं है ना, ये तो गलत पिक्चर दे रहा है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मोड, कि भाई जो डिस्टेंस है ना वो कैंसल आउट ना हो। तो इसलिए हम इसको कैसे करेंगे, मोड में। ठीक है, बताओ भाई, अब मुझे बताओ इसमें मोड लगाऊंगा तो कितना आएगा, 21.4 आएगा। इसमें मोड लगाऊंगा तो कितना आएगा, इसमें मोड लगाऊंगा तो कितना आएगा, और इसमें मोड लगाऊंगा तो कितना आएगा। इसमें तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से पॉजिटिव है। कितना हो गया भाई, 21 और 13, 116.4। पक्का 116.4, ये टोटल डिविएशन है। तो हर एक ऑब्जर्वेशन लगभग कितनी दूर होगी ये पता करने के लिए क्या करें, इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। भाई ये तो टोटल डिविएशन आया है, अब हमें ये निकालना हो कि हर एक ऑब्जर्वेशन लगभग कितनी दूर होगी, उसके लिए इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आंसर, 23.2। तो ये तुम्हें बता रहा है कि लगभग इतनी दूर तुम्हारा ऑन एन एवरेज डेटा है। ठीक है, लगभग 23 का डिफरेंस आएगा। अब तुम देख भी पा रहे हो कि ये भी 21 की दूर है, ये भी 21, ठीक है, और ये 13 और ये 23। अब जो ये 13 है और देख रहे हो 23 में और इसमें कितना अंतर है, 36 और 23 में 13 का ही, और इसमें कितना है 10 का। तो ऑन एन एवरेज हमारी हर एक डेटा इतना दूर है, कुछ कम दूर है कुछ ज्यादा दूर है, बट ऑन एन एवरेज कितना है इतना। ठीक, तो हमारा मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मीन डिविएशन का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला, हमने सबसे पहले ये
ये चीज कैसे आई बेटा? ऑब्जर्वेशन में से हमने क्या माइनस किया? मीन माइनस किया। मीन को लिखते हैं एक्स बार से, बट नेगेटिव ना, इसलिए क्या लगाया? मोड लगाया। क्या लगाया? मोड लगाया। उसके बाद हमने क्या किया? इसका सिग्मा कर दिया, सबको जोड़ दिया। ठीक है, तो जोड़ के बाद कितना आया? ये चीज आई 116.4। फिर उसको किससे डिवाइड किया? एन से। किससे डिवाइड किया? एन से। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बट अगर यहां पर कोई ऑब्जर्वेशन एक से ज्यादा बार रिपीट होता, फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, अगर 25 तीन बार होता, 15 चार बार होता, तो हमें ये चीज दोबारा से करनी पड़ती ना, है ना भाई? जैसे 15 में और इसमें कितना है? 23.4। तो 23.4 कितनी बार लिखना पड़ता? चार बार ऐड करने का मतलब है चार से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन कितनी बार है उससे भी मल्टीप्लाई करनी बनती, तो इसलिए कितना आता है ये एफ आई। समझ में आई बात? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। नहीं आई बात समझ में? एफ आई से मल्टीप्लाई क्यों? हाँ जी, कहां पर ये? हाँ ये एन ही तो था, फाइव उतनी है ना। ठीक है, तो तुम्हारा मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? तुम्हारा मीन डिविएशन का फॉर्मूला बनेगा एम डी सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार और इनटू एफ आई। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना होगा ये? एन। और एन क्या होता है? एन को मैं इसमें लिख देता हूं सिग्मा एफ आई, कह देते हैं ना इसको, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। और ये फॉर्मूला किसका है बेटा? मीन डिविजन किसके अबाउट निकाला था हमने? अबाउट मीन। मीन डिविएशन अबाउट मीन। तो ये तुम्हारा बन गया फॉर्मूला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला खत्म। अगर मीडियन के अबाउट पूछे तो पहले मीडियन निकालो और फॉर्मूला यही लगेगा, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। मीन डिविएशन अबाउट क्या होगा बेटा? सिग्मा एक्स आई माइनस, देखो इसमें सेंट्रल टेंडेंसी हमने क्या ली थी? मीन, है ना? मीन के अबाउट ही तो डिविएशन देख रहे थे। अब उसने किसके अबाउट पूछा बेटा? तो यहां पर एक्स एक्स बार की जगह क्या होना चाहिए? मीन होना चाहिए भाई, मीडियन होना चाहिए। यहां पर मीन के अबाउट निकाल रहे थे तो मीन माइनस किया था, मीडियन के अबाउट करेंगे तो मीडियन माइनस, और इनटू एफ आई डिवाइडेड बाय एन। कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हाँ नीचे सिग्मा एफ आई है बेटा। एक बात बताओ, तुमने क्लास टेंथ में यही पढ़ा था फॉर्मूला? इससे इससे कट क्यों नहीं किया? समझ आ रही है? ऐसे कट नहीं हो सकता ना ये, क्योंकि ये चीज क्या है बेटा? ये है एक्स वन एफ वन प्लस एक्स टू एफ टू प्लस एक्स थ्री एफ थ्री डॉट डॉट डॉट, और नीचे क्या है बेटा? तो तुम ऐसे कट कर सकते हो क्या? एफ वन से एफ वन कैंसिल आउट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, तो ये चीज नहीं करती। ठीक है, चलो हो गया, ये क्वेश्चंस पे आते हैं फिलहाल। अब देखो, मीन निकालना या मीडियन निकालना तुम्हारे इच्छा के ऊपर है, तुम किस मेथड से निकालना चाहते हो, अनलेस कि वो मेंशन कर दे कि इसी मेथड से बताना है, हालांकि करेगा नहीं वो। ठीक है, जो तुम्हें मेथड इजी लग रहा है उसी से करना। जैसे क्वेश्चंस पे आते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक। सबसे इजी क्वेश्चन है, एग्जांपल टू ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल टू,
डेटा दिया हुआ है बेटा तुम्हें। डेटा क्या है? डेटा है 12 3 18 17 4 9 17 19 और 20 15 8 17 2। तीन 16 11 3 1 0 5 3 16 11 3 1 0 5। ठीक है, इसका उसने पूछा है कि बेटा मीन डिविएशन बता दो, अबाउट मीन। किसके अबाउट पूछा है उसने मीन डिविएशन? मीन के अबाउट। दीक्षा समझ में आ रहा बेटा? यस सर। चलिए बढ़िया। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसका मीन कितना होगा? सबसे पहले तो मीन निकालना पड़ेगा ना, जिसके अबाउट पूछ रहा है। तो मीन निकालते हैं इसका। हाँ, ये 0 है। ठीक है, तो मीन कैसे निकलेगा? कितना आएगा देखो, 12 और 18 30, 30 और 20 50, 50 और 20 70, ठीक है, और 70 और 13, 70 और 13 83, 83 और 17 100, 100 और 15 115, 115 और 5 120, 120 और 5 125 हो गया, 125 और 19 144, 144 और 16 160, 168, 178 79, ठीक है, और 180। क्या हो गया? क्या हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? सत्रह और तीन रह गया है क्या? हाँ, ये तीन रह गया और 17, तो कितना हो गया? ये 200। कितनी ऑब्जर्वेशन है भाई इसमें? कितनी है? 20। तो कितना आएगा तुम्हारा मीन? 10 आ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या निकालना है? मीन डिविएशन। मीन डिविएशन को कैसे लिख देते हैं? एम डी लिख देते हैं। ठीक है, एम डी कितना होता है? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एफ। तो देखो इसमें कोई ऑब्जर्वेशन हुई है रिपीट? हाँ, तीन हुई है, तो फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत पड़ेगी। और ये कितना होगा? एन। जब फ्रीक्वेंसी हो, एक से ज्यादा बार हो, तो अगर नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो। नहीं होती। एक बात बताओ मुझे, सुनो मेरी बात, ये एफ आई से तुम मल्टीप्लाई होने का टेंशन ही मत लो। मान लो अगर सेम ऑब्जर्वेशन 5 6 है, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार 1 का 2 आ रहा है, तो 5 का ही 2 2 आएगा, तो हम उसको हर बार क्यों माइनस करें? हम 1 करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना कर देंगे 5 से? और 5 क्या है? फ्रीक्वेंसी तो है उसकी, तो इसलिए तो करते हैं कि हर बार हमें माइनस ना करना पड़े। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, अगर ऑब्जर्वेशन तुम्हारी 100 होती, तो क्या तुम 100 टाइम्स उसको माइनस करते? फिर तो फ्रीक्वेंसी में चीजें आ जाती है ना, रिपीट जो होती हैं। ठीक है, तो कर दो इसको। एक्स आई कितना है बेटा हमारा? 12 माइनस 10, 12 एक ही बार रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा बार तो रिपीट नहीं हो रहा, तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3। 3 कितनी बार है? 1 2 और 3। चलो 3 माइनस 10 कितना होगा? तो -7 नहीं लिखना है, 7 लिखना है, क्योंकि मोड लगा हुआ है, मोड कभी नेगेटिव आउटपुट नहीं देता। और ये 7 7 7 कितनी बार लिखना था? 3 बार, क्योंकि 3 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद 18 माइनस 10 8, ठीक है, 17 माइनस 10 17 कितनी बार है?
बार, तीन बार, उसके बाद 4 माइनस 10, छः, 9 माइनस 10, 1, ठीक है, 19 माइनस 10, 9, 20 माइनस 10, 10, 15 माइनस 10, 5, 8 माइनस 10, 2, 2 माइनस 10, 8, 16 माइनस 10, 6, 11 माइनस 10, 1, और 0 माइनस 10, और 5 माइनस 10, 1 रहेगा ना, चलिए 9, हाँ ठीक है। अपॉन कितना होगा? 20। अब जोड़ो भाई ने, ठीक है भाई, 8 और 2 10, और 7 के 21 यानी 42, 42 और 10, सॉरी, सत्रह, 1 2 3, सत्रह में से ये माइनस करोगे कितना आएगा, उसके बाद ही तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखो 21 दुनी 42, 42 और 10, बताओ, जोड़ लिए कितना आ रहा है, 124, 124 बटे 20 कितना आएगा, 6.2। तो देखो मीन डिविएशन जितना कम होगा उतना ही डेटा सेंट्रल टेंडेंसी के, सेंट्रल जो भी है वो क्वांटिटी उसके पास रहेगा, मीन मीडियन मोड के पास रहेगा, ठीक है। तो जितना ये कम उतना ही अच्छा, जितना ये ज्यादा उतना ये खराब, ठीक है। कहीं पे अगर हमें पॉपुलेशन में बम फेंकना है तो वहां पर फेंको जहां पर सेंट्रल टेंडेंसी, ये मीन डिविएशन क्या हो हमारा, कम हो। नहीं, अरे भाई जो बीच की पॉइंट है उसके आसपास लोग रहेंगे तभी तो ज्यादा मरेंगे, बात समझ आई है, सारे लोग वहीं रहेंगे तभी तो ज्यादा मरेंगे, अगर डिस्पर्स रहे चारों तरफ फैले हुए रहे तो कम मरेंगे, तो इसलिए क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो, अब इस तरह के क्वेश्चन तुम खुद देखना ग्रुप पे आ जाते हैं हम। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 देखो भाई, इसमें बोला है फाइंड मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब इस क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूं, तुम्हें निकालना है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, इसी क्वेश्चन में एक्स आई दिया हुआ है बेटा तुम्हें और एफ आई दिया हुआ है, ठीक है। एक्स आई है 2, 5, 6, 8, 10 और 12, और भाई फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, 8, 10, 7, 8, 5, यही है मीडियन के अबाउट निकालना है तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है मीन के अबाउट, बट तुम्हें निकालना है मीडियन के अबाउट। एक बात बताओ मुझे, क्या निकालते हैं सबसे पहले मीडियन में, सीएफ, अगर ग्रुप डेटा हो तो सीएफ कितना होगा बेटा, ग्रुप डेटा समझते हो जो अलग अलग नहीं लिखी होती ऑब्जर्वेशन, और ग्रुप डेटा भी दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट, इसको कहते हैं डिस्क्रीट, हर एक ऑब्जर्वेशन अलग अलग लिखी हुई है कि रिजल्ट इतना नंबर कितने लोगों का है, ये अलग लिखा हुआ है, और दूसरा क्या होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो जिसमें क्लासेस आती हैं, क्लास इंटरवल्स 10 से 20, 20 से 30, है ना। तो बेटा यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यहां पर 2 होगी, यहां तक कितने लोग हैं, यहां तक 20, 27 और ये, ठीक है। एन कितना है हमारे पास, 40,
मीडियन क्या होगा इसका, मीडियन होगा 40 बाय 2 टीएच एन बाय 2 टीएच प्लस एन बाय 2 प्लस 1 टीएच डिवाइडेड बाय 2। ठीक, कितना होगा ये? ट्वेंटीएथ प्लस 21st डिवाइडेड बाय 2। 20th टर्म की वैल्यू कितनी है? देखो 20th टर्म यही है, इसकी वैल्यू कितनी है? और 21st की बेटा 21, 20 तक तो यहां पर है, 21 से 27 तक इसमें होंगी और उनकी वैल्यू कितनी है सबकी? 8। तो 6 प्लस 8 बाय 2 कितना आएगा? 7। तो मीडियन कितना बेटा इसका? 7 है, तो लिख देंगे एम हमारा है 7। अब हमें क्या निकालना है? मीन डिविएशन निकालना है, मीन डिविएशन। तो क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा एक्स आई माइनस एम फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन। फ्रीक्वेंसी में देखो क्या कितनी कितनी दी हुई है, 2, 8 इसमें दी हुई है, इसमें हमें गिनने की भी जरूरत नहीं है। चलो पहली ऑब्जर्वेशन कौन सी है भाई? 2। 2 माइनस 7 माइनस 5 होता है, लिखेंगे 5 क्योंकि मोड है। फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा उसकी? 2 प्लस 5 माइनस 7 2 और इनटू 8 प्लस 6 माइनस 7 1 इनटू 10 प्लस 8 माइनस 7 1 इनटू 7 प्लस 10 माइनस 7 3 इनटू 8 प्लस 12 माइनस 7 5 इनटू 5। ये सब का हमारा क्या आ गया है? टोटल डिविएशन कह सकते हो उसको, ऊपर वाले को। अब हर एक के हिस्से में कितना आएगा? सारे से डिवाइड कर दो। एन कितना है बेटा? 40। तो कितना होगा? 10 और 16 26, 36, 36 और 7 कितने होंगे? 43। 43 और 25 92 बैठ रहा है, डिवाइडेड बाय 4 × 8 और 4 × 12 कितना आ रहा है? 2.3 आ रहा है। उनका आंसर कितना आ रहा है उसमें बुक में? टू पॉइंट थ्री आ रहा है। तो इसका मतलब मीन और मीडियन सेम है, हो सकता है सेम हो। अच्छा सबका देखना मीन कितना बैठ रहा है, मीन निकाले भाई इन दोनों का सब कितना, इन दोनों की मीन कैसे निकालते हैं? दिस इनटू दिस कितना होगा? 4, 40, 60, 56, 80 और 60 ठीक है, डिवाइडेड बाय 40 भाई। सो ये हो गए 100 और ये 140, 240, 240 और 60 300, 300 बटे 40 ये हो जाएगा 15/2 7.5। लेकिन इसका मीन कितना आया था? 7 आया था। तो मतलब है आसपास ही, ये भी मीन और मीडियन आसपास ही। चलिए भाई अब मुझे बताएगा करणवीर, क्लास 10th में एक रिलेशन था, तुम्हारा नहीं बोल रहा हूँ, ये कैसे देख रहा हूँ, रिलेशन था एक मीडियन में, मोड में और मीन में, क्या था वो? तुम बताओ, तुम ही बता दो। हाँ चलो हर्ष, सेम टू हिम, सॉरी हृदयांश, आर्यन क्या था? सर उसको
मीमी मो है इसका आंसर। हाँ मीमी मो। मी मो। 3-2-1 ठीक है। जो बड़ा होगा वो अकेला रहेगा एक घर में, तो मीडियन सबसे बड़ा है, मीडियन वर्ड सबसे बड़ा है ना, तो वो अकेला रहेगा इस साइड। तुमने ये चीज इधर ऐड कर दी थी। ठीक है अब सुनो मेरी बात, जो क्वेश्चन नंबर है तुम्हारे पास, अब मैं बता रहा हूं तुम्हारे, तुम्हें सब कुछ आता निकालना, मीडियन भी और मीन भी, ठीक है? तो ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। एक्सरसाइज जो पहली है विद एग्जांपल्स, मात्र 12 क्वेश्चंस है, सुनना मेरी बात, लास्ट है बस 12 है। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने बोला है कैलकुलेट द मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है? और उसमें बेटा क्लास इंटरवल्स कैसे हैं, 16-20, 21-25, पता है ना, ये कंटिन्यूस करना है, ठीक है? नहीं तो कोई आंसर लगाएगा इसका। चलो फिर।